एक सुनहरा दिन था पेप्पा टाउन में, जब पेप्पा पिग और उसकी फैमिली ने फैसला किया कि वे अपने शहर के बाहर एक अनोखे पिकनिक प्रवास पर निकलेंगे। मम्मी पिग ने समझा दिया कि वे ग्रीन वैली के कुछ प्यारे से मैदान में पिकनिक करें, जहां हरियाली, फूलों की खुशबू और खिलते हुए पेड़ पौधे उनका स्वागत करते हैं। सब लोग खुशी खुशी अपनी पिकनिक टोकरियाँ तैयार करें और कार में सवार हो जाएं। जब वे ग्रीन वैली पहुंचा, उन्हें एक खूबसूरत झरना और रंगीन फूलों का बगीचा दिखाया। पेप्पा ने देखा कि एक लंबी चट्टान के पीछे कुछ छुपा हुआ है और उसने अपने परिवार को वहां ले लिया। चट्टान के पीछे पहुंचकर उन्हें एक छोटा सा जादुई तालाब मिला जिसमें सुंदर सी हुई सियाही थी। जब पेप्पा ने उसमें अपना चेहरा देखा तो वो एक अनोखी दुनिया में चली गई। वहां उन्हें मिला एक छोटा सा यूनिकॉर्न जिसका नाम स्पार्कल था। स्पार्कल ने पेप्पा और उसके परिवार को अपनी दुनिया में घूमने का ऑफर दिया। वहाँ वे नीले आसमान के नीचे उड़ते हुए सुंदर सपने देखे जिनको स्पार्कल ने छोटी सी परी भी थी। जादुई सपने के दौरान पेप्पा ने उनके परिवार के साथ एक और इसके बाद पेप्पा टाउन में